भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला आज रविवार को 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने एशिया कप के लीग चरण और सुपर चार में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एशिया कप में कुल 5 मैच खेले, जिसमें 3 में जीत हासिल हुई, 1 में हार मिली, जबकि 1 मुकाबला रद्द हो गया। वहीं श्रीलंका की टीम ने अपने 5 मुकाबलों में से 4 में जीत हासिल की और 1 में हार मिली। भारत और श्रीलंका की टीमें एशिया कप में 23वीं बार आमने सामने होगी, जहां भारत 8वीं बार चैंपियन बनने उतरेगा, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की नज़र भारत के रिकॉर्ड की बराबरी करने पर होगी। भारत और श्रीलंका के बीच कुल 166 मैच खेले जा चुके हैं, जहां भारत ने 97 मैच जीते हैं, तो वहीं श्रीलंका ने 57 मुकाबले अपने नाम किए हैं। रविवार को भी दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता है। एशिया कप के फाइनल मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने सामने आई हैं। भारत ने 5 बार खिताब जीता है, जबकि श्रीलंका ने 3 बार अपनी बाजी मारी है। भारतीय टीम ने पिछले 5 वर्षों में कोई खिताब नहीं जीता है, जिससे रविवार को आज उसके लिए अपनी कैबिनेट में एक और ट्रॉफी शामिल करने का अच्छा मौका होगा। भारत ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अंतिम खिताब 2018 में जीता था, जब रोहित शर्मा की टीम ने दुबई में एशिया कप में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराया था। भारत और श्रीलंका के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम में 37 वनडे मैच खेला गया है, इसमें 18 मैच भारत ने जीते जबकि श्रीलंका ने 16 जीते हैं। दोनों टीमों में कौन मजबूत दावेदार है इस ट्रॉफी के लिए, एशिया कप के लिए, कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप अपना फेवरेट प्लेयर का नाम भी लिखें। थैंक यू।